मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत 30 दिसंबर को विकासखंड सैदनगर की सभी ग्राम पंचायतों में महिलाओं का महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा थीम पर जनसुनवाई होगी। वहीं जनपद रामपुर में जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह द्वारा जनसुनवाई के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। विकासखंड सैदनगर में महिला अधिकारियों की देखरेख में एवं नेतृत्व में 30 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, उनकी समस्याओं का चिन्हांकन, साफ सफाई, स्वास्थ्य पर चर्चा एवं परस्पर संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं आइए अब सुनते हैं जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। मिशन शक्ति के शुरुआत से ही हमने महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं की समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वावलंबन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए और अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचने, महिलाओं के बारे की समस्या के बारे में, महिलाओं को सबल बनाने के लिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, लगातार हम प्रयत्न करते रहे हैं। इस बार हमने तय किया है कि 30 दिसंबर को हम जनपद में एक अभियान शुरू कर रहे हैं महिला जन सुनवाई का। ये पहले भी प्लान था, लेकिन कुछ वजहों से हम इसको उस समय नहीं आयोजित कर पाए। और इस महिला जन सुनवाई का जो शुरुआत है, हम सैदनगर ब्लॉक से करेंगे और सैदनगर ब्लॉक के सारे ही ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन होगा। इसकी खासियत ये होगी कि ये महिलाओं के द्वारा सुनवाई होगी, महिलाओं के बारे में ही होगी और उसमें महिला अधिकारी हमारे रहेंगे, नोडल अधिकारी रहेंगे, महिलाओं की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उसमें हमारा प्रयास ये भी है कि महिलाओं के की समस्याओं के बारे में जो गैप है डेवलपमेंट में, जो महिलाओं की भूमिका है, जो उनकी बातें छूट जाती हैं, उनको भी हम उसमें शामिल करें। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयत्न भी उसी दिन किया जाएगा और उनको स्वावलंबन से जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा। साथ ही उस दिन एक प्रेरणा दूत का चयन होगा, जो शिक्षित महिला होगी। और प्रेरणा दूत के चयन के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि जो विकास है, विकास में महिलाओं की भागीदारी, उनके लिए उनके हिसाब से जन सुविधाएं विकसित करने का एक ऐसा जरिया होना चाहिए जिसमें उनकी भी बात शामिल हो सके। तो प्रेरणा दूत से हम लगातार संपर्क में रहेंगे आगे भी और गांव के विकास की, गांव की जो योजना बनेगी उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और इस तरीके से हमारा प्रयास यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, साथ ही जो गांव के विकास की रूपरेखा है उसमें महिलाओं की सबल भागीदारी सुनिश्चित करना और महिलाओं को स्वावलंबन के साथ साथ सुरक्षा देना और उसके बारे में लोगों को जागरूक।